हे गाइस, तो चलिए आज बनाते हैं एक सुपर हेल्दी नाश्ता। तो यहाँ पे क्या करना है, एक बोल लेना है, उसमें डालनी है 1 कप सूजी। और जैसे ही आप सूजी डाल दें तो यहाँ पे मैंने डाला है उतना ही क्वांटिटी में आटा, नॉर्मल गेहूं का आटा है ये। अब उसके बाद 3 से 4 चम्मच आप इसके अंदर दही डाल दीजिए और उसके बाद इन चीज़ों को करना है अच्छे से मिक्स। और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये, मसाले बहुत कम पड़ते हैं इसमें। तो यहाँ पे सिर्फ हमने डाला है नमक और काली मिर्च का पाउडर और धनिया पाउडर, बेसिक जो मसाले होते हैं घर में, आपके मसालेदानी में पड़े रहते हैं, बस वही मसाले डालें। अब इनको कर देंगे अच्छे से मिक्स, क्योंकि जो दही है, आटा, सूजी सब मिक्स हो जाए, फिर इसके बाद हम इसमें धीरे धीरे करके पानी डालेंगे। और पानी डाल के ना इसका एक घोल हमें बनाना है, तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि इसके अंदर जो लम्ब्स हैं वो ना पड़े और ये एक स्मूथ सा बैटर इसका रेडी हो जाए बनके। और बनने के बाद ना गाइज़, इसको थोड़ा सा रेस्ट करने देना, क्योंकि जो सूजी है वो भी थोड़ा सा पानी पिएगी, आटा भी पानी पिएगा, तो इसलिए जितना एब्जॉर्ब करना है इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये देखिए इस तरीके का घोल बन के रेडी हो जाएगा। और फिर इसमें हम डालेंगे अपनी मनपसंद कोई सी भी वेजीज जो आप बच्चों को खिलाना चाहते हैं या आपके पास अवेलेबल हो। मैंने यहाँ पे गाजर, धनिया, प्याज ये डाला है, थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए तो हरी मिर्च को स्किप कर दीजिए, बहुत कम डालना। और उसके बाद इसमें आप ना गोभी वगैरह भी डाल सकते हैं या कॉर्न भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास हो, आपको पसंद हो वो डाल देना। अब इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। और ये देखिए, ये जो हमारा बैटर है ना गाइस, ये बन के रेडी हो गया है और सब्जी डालने के बाद ये थोड़ा और गाढ़ा भी हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा यहाँ पे फ्रूट सॉल्ट यानी इनो डाल दीजिए और ज़रा सा पानी डालेंगे ताकि वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। अब इसको कर देंगे मिक्स। इससे क्या होगा कि जो हमारे पैनकेक्स हैं ना गाइस, वो थोड़े से स्पंजी और फ्लफ़ी फ्लफ़ी से बनेंगे, तो खाने में बहुत मज़ा आएगा। तो ये देखिए, और इनो डालने के बाद बहुत ज़्यादा इसको फेंटना नहीं है, बस हल्का सा इसको कर देंगे मिक्स। और गैस पर रखेंगे एक पैन, गरम करने के लिए रख देंगे, उस पर थोड़ा सा घी या ऑयल कुछ भी जो है आपके पास वो आप लगा दीजिए। और ये जो हमने बैटर बनाया हुआ है ना, इसके हम ऐसे डाल के छोटे छोटे पैनकेक्स बना के रेडी कर लेंगे। तो ये बहुत ही जल्दी बनने वाली और झटपट बनने वाली रेसिपी है। ऊपर से इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दीजिए, थोड़े से जो सफ़ेद तेल होते हैं वो डाल दीजिए, चाहे तो धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। तो मैंने तो सिर्फ यहाँ पर चिली फ्लेक्स और जो सेसमे सीड्स होते हैं ना, सफ़ेद तेल, वो डाला है। अब इसको मीडियम से लो फ्लेम पे अच्छे से पकने देंगे। 2-3 बूंदें ऊपर से हल्के से घी या ऑयल की स्प्रेड कर दीजिए ताकि जब हम इसको फ्लिप करें तो ये चिपके ना। और ये देखिए, इस तरीके से इसको हम पलट देंगे और 2 से 3 मिनट के अंदर, बल्कि उससे भी जल्दी, ये आपका ना बनके बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, हमारा जो वेजी पैनकेक है बनके रेडी हो गया है। अगर जो बच्चे सब्ज़ी रोटी खाने में आनाकानी करते हैं या आपको दिक्कत लगती है कि रोज़ रोज़ क्या बनाएं, तो आप इस टाइप के पैनकेक्स बना के रेडी कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही स्पंजी, बहुत ही टेस्टी, और सबसे मेन बात कि ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। अब आप इसको तोड़ के देखेंगे, ये देखिए कितना आसानी से टूट रहा है। तो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनके टिफ़िन में भी आप ये दे सकते हैं, या शाम की जो नाश्ता होता है या सुबह के नाश्ते में भी आप इसको खा सकते हैं। तो गाइस, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप इसे ना किसी भी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो हर रोज़ बने रहिए मेरे साथ ऐसी इंटरेस्टिंग इजी रेसिपीज़ के लिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।